दमोह के जिला अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर अतिथि के रूप में दमोह के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के साथ दमोह के विधायक राहुल सिंह भी मौजूद थे। राहुल सिंह ने अपने भाषण के दौरान जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर टिप्पणी की, साथ ही CMHO पर भी तल्ख टिप्पणी कर दी। उनकी इस टिप्पणी से जिला अस्पताल के डॉक्टर नाराज हो गए, जिसके बाद कार्यक्रम समापन के दौरान जिला अस्पताल के डॉक्टर प्रहलाद पटेल ने इस मामले पर अपना विरोध दर्ज कराया। इसी दौरान डॉक्टरों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद होने लगा। झूमा झटकी के साथ देर तक तू तू मैं मैं का दौर चला। वहीं विवाद बढ़ता देख कांग्रेस के नेता कार्यक्रम स्थल से निकल गए, जबकि डॉक्टरों ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे लोग अपना ईमान बेचकर नौकरी नहीं कर सकते, इसलिए सामूहिक इस्तीफे का निर्णय लेते हैं। पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो एम्बुलेंस सेवा है उसका भी एक जाल फैला हुआ है। यहाँ पे वो सीधे एम्बुलेंस ले जाती है और जो दमोह जबलपुर के बड़े बड़े अस्पताल हैं उन पे सीधे लेके चले जाती है और उनके कमीशन बने हुए हैं। जो भी मंच से भाषा का प्रयोग किया गया है वो काफी अशोभनीय भाषा थी और धमकी भरे लहजे में समस्त चिकित्सक समुदाय को धमकाया गया। इतना कार्य करने के बावजूद, इतनी कमी डॉक्टरों की कमी होने के बावजूद आज चिकित्सा स्तर को जिला मतलब दमोह जिले के चिकित्सा स्तर को इतना ऊपर उठाए हुए हैं, इसके बावजूद भी इस प्रकार के अपमान भरे और धमकी भरे शब्दों को अगर कोई प्रयोग करता है तो हम लोग उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे।